अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या सैयदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप सब के इल्म में है कि बहुत गहमा गहमी है सियासत के हवाले से। अगर बात करें, आज उसी सिलसिले की एक कड़ी को लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज की जो कार्रवाई है अदालती, उस बारे में बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं उसके हवाले से समाप्त की गई। अच्छा, पहले ये समाप्त को नाम ये दिया गया था कि इलेक्शंस के हवाले से है जी, इलेक्शन के इनकाद के हवाले से। लेकिन अब जो समाप्त हो रही है वो है कि एक साथ, यानी पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाने की दरख्वास्तों पर जो समाअत है, ये उसी सिलसिले की असल में कड़ी है। लेकिन एक साथ वाली जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद किया गया था। यहाँ पर अब चूँकि जो जमातें हैं सियासी, उनके आपसी बिगाड़ की बात हो रही है, यानी जो पीडीएम है उसका आपस में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। जैसे गुज़िश्ता समाअत पर पाबंद किया गया था ईद की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम जमातों को कि मिल बैठे, सर जोड़कर बैठिए, मुल्क को इस सियासी आईनी बहरान से बाहर निकालिए। अदरवाइज़ 14 मई की डेट जो है वो पंजाब में इलेक्शंस के लिए तजवीज़ की गई है और दी गई है, हुक्म दिया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब ज़रा यहाँ पर एक बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या हुआ था, वो थोड़ा हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये था कि इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया, फंड्स जारी करने का हुक्म दिया गया और काबीना ने तजवीज़ को मुस्तरद किया। उसके बाद की कार्रवाई, फिर मिल बैठने का कहा गया। 27 तारीख आज दोबारा समाअत हुई। आज की समाअत में सारी अभी तक की जो पेशरफ थी उससे आगाह किया जाना था। अटर्नी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया, बताया कि मुज़ाकरात बिल्कुल तैयार हैं। सादिक संजरानी साहब जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है इसमें। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे इस्तफसार किया कि वो किस हैसियत से, क्योंकि वो ना तो हुकूमत के नुमाइंदा हैं ना अपोजिशन के नुमाइंदा हैं, तो वो किस तरह ये किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर हुकूमत संजीदा होती मुज़ाकरात के हवाले से तो यकीनी तौर पर अभी तक मुज़ाकरात हो चुके होते। दूसरी तरफ ये कहा गया कि पता चला जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को नामजद किया गया है मुज़ाकरात के लिए, उनके साथ बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं। लेकिन जब रोस्टम पर बुलाया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो उन्होंने ये बताया कि उनसे किसी ने राबता नहीं किया, बल्कि ये सारी जो सेनेट की कार्रवाई है, जो इजलास बुलाया जाएगा उसके अंदर डिस्कशन होनी है, मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो है वो डिले करने के हरबे हैं, यानी इलेक्शंस को मज़ीद डिले किया जाए। तो गुजारिश है कि पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो चुका हुआ है, मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कोई डिले होगा। तो आज की जो कार्रवाई है, जो समाअत है, उसके बारे में लोगों ने ये कयास करना शुरू कर दिया जी, अचानक समाअत को मुलतवी कर दिया गया जी, अचानक समाअत को मुलतवी। तो समाअत अचानक ही मुलतवी भी हुआ करती है। इसके अंदर यही बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, आज की जो कार्रवाई है अदालती उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जाएगा। तो नाज़रीन, अभी एक मरतबा फिर मोहलत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, तमाम जमातें बैठ जाएँ और इस मसले का हल निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स बहुत 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 अहम हैं, यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि अदालत किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो मुज़ाकरात करें। साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो वाज़े तौर पर ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर नहीं बैठेंगी तो क्या होगा, इलेक्शंस तो 14 मई को जो ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद करवाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, आईन का तहफ़ करवाना, कौमी मुफादात का तहफ़ करना, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी। फवाद चौधरी साहब ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन से तो सुप्रीम नहीं है, आईन से बढ़कर तो नहीं हो सकते। तो आईन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। नाज़रीन, खौफ तारी है, असल में पीडीएम के ऊपर खौफ तारी है। वो ये जानते हैं कि अगर वो इलेक्शंस में आएंगे तो उन्हें नाको चने चबा दिए जाएंगे पीटीआई की जानिब से, क्योंकि कारकुनान बहुत चार्ज हैं इस दफ़ा बिल्कुल इरादा किया गया है, इरादा है लोगों का, वो पूरी तरह इमरान खान साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर चुके हैं, दिलों के प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं ही। अब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुंतखब होने के लिए बिल्कुल 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 तैयार बैठे हुए। तो गुजारिश ये है कि देखना अब ये बाकी रह गया है कि
आया, आज का हुक्मनामा क्या जारी होगा, उसमें क्या पाबंद किया जाता है, किस तरह जो है वो हुक्म दिया जाता है, मजीद क्या कार्रवाई आगे बढ़ती है, क्या मुजाकरात होंगे या नहीं होंगे। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि कोई मुजाकरात नहीं करना चाहती हुकूमत, सिर्फ वो डिले चाहती है, वो इलेक्शन चाहती नहीं है। तो नाज़रीन आपका क्या तज्जिया है, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत ओपन शट मामलात हैं, सारे लोगों को ये वाज़े तौर पर समझ आ चुका है कि पीडीएम कतई कतई इलेक्शंस में शामिल नहीं होना चाहती, वो इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मुश्किल हो गया उनके लिए, जो नहज बन गई है, जो मामलात सारे बन गए हैं, किस तरह 9 अप्रैल से वो वाक़या शुरू हुआ, किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इमरान खान साहब को एक मरतबा उरूज अता किया और जिस तरह लोगों ने साथ दिया, दूसरे पंजाब के अंदर टिकटों की तकसीम उसमें थोड़ा रद्दोबदल किया गया, तो सारे मामलात जो है वो चल रहे हैं, बहुत गर्म माहौल है। तो देखना ये है कि कौन लोग पाकिस्तान और आईन का तहफ्फुज यकीनी बनाते हैं। अच्छा फारूक एस नायक साहब, वो हर दफ़ा अदालती कार्रवाई के अंदर उनका एक ही डायलॉग है, क्या डायलॉग है जनाब अली? वो आते हैं और कहते हैं ये सियासी जमातों का मसला है, ये सियासी जमातों को मिलकर हल करना है, इनको हल करने दिया जाए। साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बात की कि जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की गई, जो खत भी लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यानी खुली धमकियाँ दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के सामने है, तो देखना ये होगा क्या दलेराना फैसला आता है, क्या वो कहते हैं। लग तो ऐसे ही रहा है कि किसी ना किसी का पत्ता साफ किया जाएगा, किसी ना किसी को ना अहल तो करना ही पड़ेगा, और वो कौन है आपने बताना है कि कौन सा नाम ना अहल हो सकता है, जिनके कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं कि इनको ना अहल करवा दिया जाए। मैं वाज़े तौर पर बल्कि कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को ना अहल देखना चाहते हैं कुछ लोग, उन्हीं की जमात के लोग क्यों देखना चाहते हैं ये सब जानते हैं। पता नहीं क्या मामलात आगे बढ़ेंगे, उम्मीद तो यही है और यकीन भी यही है अल्लाह तबारक व ताला की मदद से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदका से इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा और पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द दूर हो जाएंगी। और हम सब पाकिस्तानियों को ये इरादा करना है कि हमने उन लोगों के साथ खड़े होना है जो पाकिस्तान के मफाद को अपने मफाद पर तरजीह देते हैं, उन लोगों के साथ खड़े नहीं होना जो जाती मफादात के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बकवास करते हैं और नंगी वीडियोस लोगों की मंजर आम पर ला रहे हैं, फेक वीडियोस बनाकर। तो उस पर भी मैं कोशिश करूंगा एक व्लॉग के अंदर उस बारे में भी बात करूं। तो आज की जो कार्रवाई थी उससे यही लग रहा है इंशाल्लाह कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, एक मरतबा फिर मौका दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह फंसा रही है उनको कि कल को जब फैसला आए तो कोई ये ना कहे जी हमें टाइम नहीं दिया गया, हमारा मौकफ़ नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना है, अब सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई छक्का मारने जा रही है, मैं ये आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। और वो यही है कि पंजाब के अंदर अपने टाइम पर इलेक्शंस होंगे जो 14 मई की तारीख दी गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खत लिखा गया है वज़ीर आज़म साहब के नाम कि भाई आपने फंड्स जारी ना करके और पार्लियामेंट के अंदर ये मामला उठाकर हमारे इख्तियारात कम करने की कोशिश की है, वफाक पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजवीज़ पर फौरी तौर पर फंड जारी करे तो हमें फौरी तौर पर इलेक्शंस के लिए 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बन गया है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमारी सारी जो इस वक्त उम्मीदें हैं वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, उम्मीद करते हैं एक अच्छा फैसला आएगा, खुशाइन फैसला आएगा और ऐसा फैसला आएगा कि आइंदा कोई आईन के साथ खिलवाड़ करने का सोचेगा भी नहीं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनीम को दीजिएगा इजाज़त, चैनल सब्सक्राइब करने का मैं ज़रूर कहूँगा, ये आपका चैनल है, प्लीज़ आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, सजेस्ट भी करना है कि किस तरह इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पाकिस्तान पाइंदाबाद।